अपने जन्मदिन पर छतरपुर के अल्प प्रवास पर आई प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुधवार की शाम छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर में माथा टेक कर स्थानीय लोगों से चर्चा की। मीडिया से संक्षिप्त चर्चा के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और अपनी आगामी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई आबकारी नीति की सराहना करते हुए कहा कि इस नीति के तहत एक तरह से प्रदेश में शराबबंदी ही लागू हो गई है। सबसे बड़ी बात उमा भारती ने ये कही कि सभी विधायक और सांसद अब अपने क्षेत्रों में अवैध शराब का विक्रय रोकें। उन्होंने राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब भी कुछ इस तरह दिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर में लगभग आधे घंटे तक मौजूद रहीं। इस दौरान उमा भारती के स्वागत में भारतीय जनता पार्टी संगठन और मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े नेताओं ने उनकी अगवानी भी नहीं की। हालांकि उमा के पुराने वफादार सिपाहियों में शामिल नारायण काले, बिट्टू चौरसिया, रमेश वर्मा, पूर्व विधायक रेखा यादव, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति उनका स्वागत करने जरूर पहुंचे। गौरतलब है कि आरडी प्रजापति भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं और वे भाजपा से भी निष्कासित नेता हैं। 23 में जो शिवराज जी कहेंगे, जो जगत प्रकाश नड्डा जी कहेंगे और जो बीडी शर्मा जी कहेंगे, मैं पार्टी के साथ कोऑपरेशन करूंगी, सहयोग करूंगी पार्टी का पूरा। आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? वो तो 24 की बात कर रहे हो आप। मैंने आपको पता हो, मैंने मीडिया को एक वीडियो करके ही संदेश दिया था कि इस बात को अब नहीं पूछना, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं देती। तो शराबबंदी को लेकर कहा था ना कि शराब बंद होना। आप अगर ध्यान से पूरे सरकार के निर्णय करें तो वो शराबबंदी ही है। आप गौर से देखिए उसको। आप बैठ के पी नहीं सकते, अहाते बंद हो गए हैं, जहाँ जन विरोध है वहाँ हो नहीं सकता, घर में ले जाएंगे तो माँ बहन और बेटी हाथ पकड़ लेगी, तो इसलिए एक प्रकार की शराबबंदी ऐसे ही होती है शराबबंदी। दीदी आज क्या?